जिन प्रतापपुर के थाना देहात और नगर पुलिस ने देहात क्षेत्र में स्क्रैप फैक्ट्री में हुई डकैती की घटना का अल्प समय में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 लाख का कॉपर, डकैती करने के उपकरण, कैमरे की एक DVR, 3 मोबाइल फोन, 2800 रुपये नगद, अवैध चाकू, घटना में इस्तेमाल एक ई रिक्शा बरामद की है। डकैती अमरोहा, मुरादाबाद और जनपद हापुड़ के रहने वाले कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमरोहा के डिडौली के पूरनपुर निवासी मनीष पुत्र रामबहार, अमरोहा देहात के मऊ के रहने वाले लोकेश पुत्र मुकेश, मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र के चकफेरी निवासी छुट्टन पुत्र अमर सिंह, जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की दस्तोई रोड पर स्थित आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक पुत्र ताराचंद, अमित पुत्र कलवा, हापुड़ नगर क्षेत्र के जसरूप नगर के रहने वाले प्रभाकर पुत्र चंद्रशेखर, हिमांशु पुत्र राजेंद्र, हिमांशु पुत्र जगवीर और हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी निवासी अनुज त्यागी पुत्र नानकचंद को गिरफ्तार किया है। कल शाम मेटल एक फैक्ट्री थी जहां पे स्क्रैप का काम होता था, वहां पर बदमाशों ने रात में घुस करके डकैती की घटना की थी। उस घटना का हापुड़ पुलिस ने पूरी टीम ने 7 घंटे के अंदर उसका अनावरण किया और आज पूरी टीम बदमाशों का जो पूरा गैंग है इसको हम लोगों पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। साथ ही साथ घटना में लूटा गया जो माल था 100% उसकी 100% बरामदगी हुई है और घटना में जो ढोने के लिए जो मयूरी इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। पूरी घटना में जो प्रकाश में आई चीज़ें हैं जो स्पष्ट हुआ है, दस्तोई के रहने वाले प्रभाकर हैं और अमित और अभिषेक 3 लड़के थे, जिसमें कि ये प्रभाकर पहले से यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम भी कर चुका है, इसने ये योजना बनाई थी और अपने साथ उसमें अमित जो कि वहाँ का अमरोहा का रहने वाला है और अमित के साथ 2 लड़के लोकेश और छुट्टन ये सब मिल करके आए थे। उन्होंने पूरी घटना में बंधक बना करके चौकीदार को लूट की घटना को अंजाम दिया था। हाँ, इसमें जो मनीष का करीब उनके खिलाफ 6 मुकदमे कायम है और अभिषेक के खिलाफ 1 मुकदमा लूट और चोरी का इसका कायम हुआ है, पहले से कायम है और ये सारे 9 बदमाश हम लोग की हिरासत में है इस समय। और घटना में लूटा गया जो पूरा स्क्रैप था वो पूरी उसकी बरामदगी हुई, मरीज की बरामदगी हुई है, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन की और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 28,000 रुपये बरामद हुए हैं। गैंग में 2 सदस्य हैं जिनका आपराधिक इतिहास है लूट के और चोरी के हैं, जिसमें अभिषेक और मनीष का आपराधिक इतिहास है। इस पूरे गैंग को क्रैक करके बड़े अल्प समय में 7 घंटे के अंदर हापुड़ पुलिस ने इसका अनावरण किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी। कॉपर यहाँ पर मनोज त्यागी नाम का एक कबाड़ी है, उसके यहाँ कॉपर इन्होंने बेचा था और मनोज त्यागी की भी गिरफ्तारी है, जो कबाड़ी उसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्ञात हो कि शुक्रवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने हापुड़ देहात क्षेत्र के जरोठी श्यामपुर रोड पर स्थित श्री श्याम मेटल्स की स्क्रैप फैक्ट्री में धावा बोला था और चौकीदार राजेश को बंधक बनाकर हथियारों के बल पर करीब 20 लाख रुपए का तामा लूट कर फरार हो गए थे। मीनाक्षी रोड देवपुरा निवासी फैक्ट्री के संचालक शोभित सिंगल ने पुलिस को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद हापुड़ देहात तथा हापुड़ कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और पुलिस को डकैती का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने अल्प समय में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।